गोवा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि शहीद सुशील की शहादत देश के युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी। इस शहादत ने प्रदेश के युवाओं में और जोश भर दिया है। शहीद सुशील की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिहोवा फैंसी कॉलोनी में शहीद सुशील के परिजनों से दुख साझा करने आए। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सांसद राजकुमार सैनी, हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी, विधायक सुभाष सुधा, विधायक डॉ. पवन सैनी ने शहीद सुशील के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहीद सुशील के बेटे मोहित और भाई संजय से शहीद सुशील के जीवन और शहादत के क्षणों की जानकारी ली और सरकार की तरफ से शहीद सुशील की वीरगति प्राप्त करने पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बेटे, भाई और पिहवा वासियों से दुख साझा करने के उपरांत घर में जाकर पत्नी सुनीता रानी, बेटी महक और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद सुशील के परिवार को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार की तरफ से हर संभव सहायता दी जाएगी। इस दौरान शहीद की पत्नी सुनीता रानी ने मुख्यमंत्री को एक सहानुभूतिपूर्व पत्र भी सौंपा। इस पत्र को पढ़ने के उपरांत मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की तरफ से परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। परिवार के लिए और हम सबके लिए एक लॉस है, हानि है, लेकिन इनकी शहादत रंग लाएगी। इनकी शहादत से हमारे यहाँ के नौजवानों में एक गर्व महसूस होता है, एक उनको प्रेरणा मिलती है कि देश समाज के लिए हमको भी इनकी तरह आगे बढ़ना चाहिए और हम अपने कर्तव्य को हमेशा पालन करते रहेंगे। जहाँ तक इनके परिवार का विषय है, हमारी सरकार ने जो नीति बनाई है कि कोई भी सैनिक शहीद होता है उसकी शहादत के बाद 50 लाख रुपये परिवार के उन लोगों को हम सहायता करते हैं, वो सहायता इनको की जाएगी और परिवार के एक सदस्य को, जैसे इनकी पत्नी अभी तक के पास मुझे जानकारी मिली है, इनको हम यहाँ पर कोई एक नौकरी भी देंगे, ऐसा मैंने इनको आश्वासन दिया। यहोवा से जाट टीवी न्यूज़ के लिए शेखर की रिपोर्ट।